असलकुम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर जिसका नाम है टिक्नोमेट्री तो इसको मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ लाइक आपको पता है ये मेरा होता है पॉजिटिव एक्स ठीक है ये होता है नेगेटिव एक्स तो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव है ये होता है नेगेटिव है ठीक है सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए ये मेरा कहलाता है फर्स्ट कॉर्ड्रेंट ये कहलाता है मेरा सेकेंड क्वारड्रेंट एंड ये कहलाता है मेरा थर्ड कॉर्ड्रेंट और ये होता है मेरा फोर्थ क्वारडेंट ठीक है अच्छा अब हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए लाइक साइन टीटा टिक्नोमेटिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन साइन का रेसी प्रो हो जाएगा क्या को थीटा कॉस का हो जाएगा सेक थीटा टेन का हो जाएगा कॉड थीटा ठीक है अब मुझे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू कब प्लस होती है कब माइनस होती है तो फर्स्ट कर ले मैं ये सारी चीजें लिख देता हूँ लाइक हर कॉर्डेंट में ये छः फंक्शन लिख देता हूँ लाइक साइन कॉस टेन ठीक है साइन का कोसैक हो गया कॉस का सेक हो गया टेन का कॉट हो गया ठीक है सेम ऐसी मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ साइन कॉस टेन और ये हो जाएगा साइन का कोसैक कॉस का सेक थीटा टेन का ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन को सेक थीटा कॉस टेन कॉट ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी एक आपको इसकी शॉर्टकट बताऊँगा इससे आप आसानी से प्रिडिक कर सकते हैं कि कब कौन सा पॉजिटिव होता है कौन से गॉर्डन में और कौन सा नेगेटिव होता है ठीक है तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे ठीक है अब आपसे कोई सवाल पूछे कि कौन से कॉर्डेंट में टोटल फोर क्वार्डेंट हैं अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ कि यार कॉस्ट चीटा बताओ थर्ड कॉर्डेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है तो आप ये बता नहीं पाएंगे तो इसके लिए आप छोटा सा कोड याद रखें ए एस टी सी इसका मतलब है फॉर एक्जाम्पल ऐसी कोट है अ सिल्वर टी कब अगर आपको ये सेंटेंस याद होगा आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी ठीक है तो फर्स्ट क्वार पे नाम दे दें ए का सेकेंड में दे दे टी का फोर्थ में दे दें सी का ठीक है ए मतलब ऑल मतलब फर्स्ट क्वारंट में ऑल मतलब सारी वैल्यू क्या होंगी हमारे पास पॉजिटिव होंगी ठीक है ये सारी वैल्यू सारे फंक्शन की क्या होंगी पॉजिटिव होंगी ठीक है सेकेंड क्वारंट एस एस मतलब सिल्वर तो इसका मतलब क्या है एस मतलब साइन एस से आता है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, ये दोनों पॉजिटिव होंगी बाकी सारी हमारे पास क्या होंगी नेगेटिव होंगी ठीक है टी टी मतलब टेन cot, टेन cot यहाँ पे होगा हमारे पास पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव ठीक है सी सी मतलब कॉस सेक कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे नेगेटिव ठीक है तो सिंपल सा जुमला है ए एस टी सी ए मतलब ऑल सारे पॉजिटिव एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव थर्ड क्वारडन में मतलब टी आ रहा है मतलब कि टेन कॉर्ड पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव फोर्थ कॉर्डन में आ रहा है सी सी मतलब कोसैक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव अच्छा हमें पता है ये होता है जीरो डिग्री यहाँ पे यहाँ पे होता है नाइन्टी ये होता है वन एटी और यहाँ पे होता है टू सेवेंटी और ये पूरा एक सर्किल बन जाता है यहाँ पे क्या आया था थ्री सिक्सटी क्लियर है अब इसके तो खैर एम सी क्यूज हम करेंगे बाद में पहले इसको समझ लेते हैं अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एंगल होता है ज़ीरो से नाइन्टी अब आपसे कोई पूछ ले यार कि अगर बताओ कॉस फोर्टी एट फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस फोर्टी एट हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है और इसकी क्या वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है तो आप उसको बता देंगे भाई कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ज़ीरो से नाइन्टी होते हैं फर्स्ट में एंगल और फोर्टी एट जो है कॉस में क्या होगा सारे पॉजिटिव होंगे मतलब के जो वैल्यू आएगी इसकी पॉजिटिव आएगी सेम ऐसी अगर मैं कह दूँ कॉस फॉर एग्जाम्पल वन ट्वेंटी अब वो लाए करेगा हमारा सेकेंड क्वार्टर में उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है ठीक है इसको जहन में रखिएगा इसके आज हम एम करेंगे बहुत सारे अब सेम यही चीज़ है मैं इसको अब ग्रेटर देन देन लेस करके लिखता हूँ लाइक पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो आपको दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कब ग्रेटर देन लेस देन पे क्या होता है ये तो सिंपल सा चार्ट है पॉजिटिव नेगेटिव का तो हम एक और चार्ट डिस्कस कर लेते हैं तो एक और चार्ट हम बना लेते हैं जल्दी से वही सारी चीज़ें लिख देते हैं लाइक साइन टीटा साइन का कोसे cot थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिख लिख दें, ये ये जाएगा थीड़ा, थीड़ा, में भी दें। अब बेसिकली हमें बतानी है ग्रेटर करके, ताकि पेपर के अंदर कोई सभी पूछे आप आसानी से बता सके हो जाएगा टेन थीटा कॉट जाएगा साइन थीटा थीटा हो जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा cot थीटा सही है पहले में मैंने एक जुमला याद रखने बोला था एस टी सी ये हमारे पास वो था पहले चार्ट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है मतलब कि ये सारे क्या होंगे ग्रेटर देन जीरो होंगे ठीक है पॉजिटिव मतलब सारे ग्रेटर देन जीरो ठीक है और फिर क्या आ रहा है हमारे पास एस मतलब साइन को सेक पॉजिटिव मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव है मतलब साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और कोसेक थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास लेस देन ज़ीरो भी लेस देन जीरो ये भी लेस देन ज़ीरो भी लेस देन ज़ीरो ठीक है टी टी मतलब हमारे पास यहाँ पे टेन कॉड जो होगा ये पॉजिटिव होगा मतलब कि ग्रेटर देन ज़ीरो बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे लेस देन ज़ीरो ठीक है समझ में आ रहे सेम ऐसी कॉस सेक कॉस सेक होंगे हमारे पास पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन जीरो और बाकी सारे क्या होंगे लेस देन ज़ीरो तो नेगेटिव वैल्यू में लेस देन आता है पॉजिटिव में ग्रेटर देन आता है ठीक है अब फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि बताओ वो कौन सा कॉर्डेंट होगा जिसके अंदर कॉस टीटा हो ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कि पॉजिटिव और टेन टीटा जो हो वो हो नेगेटिव पहले वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है दूसरे वाले में साइन को सेक पॉजिटिव होता है मतलब दूसरे में भी लाई नहीं करेगा ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये थर्ड है ये मेरा फोर्थ है ठीक है तो ये मुझे कहाँ नज़र आ रहा है मुझे पता है लास्ट जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर टेन ए एस टी सी कॉड मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं मतलब कि ये लाए कहाँ कर रहा है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइ कर रहा है अक्सर ऐसे भी हम पूछे आते हैं आपसे कुछ भी दे देगा ग्रेटर देन लेस देन करके दो फंक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन से कॉन्टेंट में लाए कर रहे हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ लाइक टेन टीटा मैं कह दूँ ग्रेटर देन ज़ीरो और साइन टीटा जो है वो है लेस देन ज़ीरो अब बताओ ये कौन से क्वार में लाइए करेगा आपको पता है ए एस टी सी टी मतलब टेन कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या है ग्रेटर देन जीरो बाकी सारे नेगेटिव मतलब के लेस देन तो ये मेरा लाइक कहाँ करेगा ये मेरा थर्ड क्वार में लाए करेगा ठीक है तो ऐसे आप अपने हिसाब से कोई सा भी एम बना सकते हैं और अगर आपको मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जैसे बहुत सारे सवाल हैं ठीक है अब लाइक आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक वो आपसे बोल दे कि यार बताओ मुझे सेक टू ट्वेंटी कौन से कॉर्डर में लाए करेगा और इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी तो सबसे पहले तो जहन में रखें मेरा था ज़ीरो था ये नाइन्टी था ये वन एटी था ये टू सेवेंटी था मतलब कि वन एटी से टू सेवेंटी टू ट्वेंटी यहाँ लाए करेगा तो मैं बता दूंगा भाई सेक टू ट्वेंटी जो है वो मेरा थर्ड क्वारडन में लाए करेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव मतलब के लेस देन तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव तो इस तरीके से अक्सर एम पूछे जा सकते हैं आपसे अब बात कर लेते हैं कुछ कन्वर्जेंस की लाइक like, ये भी अक्सर एमसी क्यू जाता है कि वन रेडियन हमारा इक्वल होता है वन एटी डिवाइड बाई पाई डिग्रीज के मतलब अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना हो तो आप ये करते हैं और ये मेरा बराबर होता है फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री के ठीक है सेम ऐसी अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना हो तो आप कुछ नहीं करें वन डिग्री इक्वल टू इसको रेसीप्रोकल करके लिख दें लाइक ये हो जाएगा पाए बाय वन एटी रेडियन ठीक है और वन डिग्री में हमारे कितने रेडियन होते हैं वो होते हैं जीरो पॉइंट ज़ीरो वन सेवन फोर फाइव और एग्ज़ाम्पल आपसे एम सी क्यू पूछ सकता है बताओ कन्वर्ट करो डिग्री को रेडियन में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह दूँ फोर्टी फाइव डिग्री किसने रेडियन के बराबर होता है तो मतलब कि ये इस टाइप में दिया हुआ है डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं पाए बाय वन एटी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फोर्टी फाइव इंटू पाए बाई वन एटी ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय फोर्टी फाइव फ़ोरदा हमारे पास होते हैं वन एटी तो ये कन्वर्ट हो गया इतने रेडियन में मतलब कि हमें पता लग गया फोर्टी फाइव डिग्री बराबर होता है हमारा पाई बाय फोर रेडियन के ठीक है सेम ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लाइक like, अब मैं डिग्री के साथ कुछ और भी देता हूँ लाइक like, मैं लिख देता हूँ ट्वेल्व डिग्री इंटू ट्वेंटी एट मिनट्स तो ये इस तरीके के एम सी क्यूस किस तरीके से होते हैं ट्वेल्व डिग्री आप ऐसे लिख दें प्लस ये मिनट है एक मिनट में कितने सिक्सटी सेकेंड होते हैं तो आप क्या करें सिंपल इसको लिख दें ट्वेंटी एट डिवाइड बाई सिक्सटी कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व डिग्री प्लस ये डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स सिक्स ठीक है इन दोनों को आप ऐड कर लें यह हमारे पास क्या हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट फोर सिक्स सिक्स डिग्री अब हमें डिग्री से किस में जाना था रेडियन में जाना था तो आप वही करें मल्टीप्लाई बाय पाई बाय वन एटी तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा जीरो पॉइंट टू वन सेवन रेडियन मतलब कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो ट्वेल्व डिग्री ट्वेंटी एट मिनट तो ये हमारा बराबर होगा जीरो पॉइंट टू वन सेवन रेडियन के अब हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरी टेक्निक्स की लाइक like. अक्सर लोगों को वैल्यूज याद नहीं होती हैं लाइक मैं फंक्शन लिख देता हूँ पहले ये साइन थीटा है ये कॉस थीटा है ये टेंट थीटा ये कोसेक थीटा ये सेक थीटा और ये हमारा कॉट थीटा ठीक है अक्सर लोगों को ये वैल्यूज़ पता नहीं होती लाइक जीरो डिग्री पे क्या वैल्यू होगी साइन की थर्टी डिग्री पे क्या होगी फोर्टी फाइव पे क्या होगी सिक्सटी पे क्या होगी नाइन्टी पे क्या होगी वैसे खैर कुछ लोगों को याद होती है साइन कॉस की लेकिन अगर मैं सेक की पूछ लूँ तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार सेक की वैल्यू कैसे आएगी जबकि इसी का रेसिप्रोकल होता है वो तो इसकी आज मैं आप लोग को शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ वैसे तो ऐसे ही लोगों को याद होता है साइन जीरो जीरो के बराबर होता है साइन नाइन्टी वन होता है कॉस जीरो वन होता है कॉस नाइन्टी ज़ीरो होता है ये तो बहुत बेसिक बेसिक है लोगों को पता होते हैं तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक देख लेते हैं अभी मैं यहाँ पे ना वैल्यूज़ लिख रहा हूँ लाइक एक ज़ीरो लिख देता हूँ वन लिख देता हूँ टू थ्री फोर ठीक है ये सारी वैल्यूज लिख दी लास्ट वैल्यू क्या आ रही है फोर आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ इन सबको फोर से डिवाइड करवा देता हूँ ये मैंने डिवाइड करवा दिया ठीक है और मैं आप क्या कर रहा हूँ रूट ले लेता हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वैल्यूज रूट में आ रही होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट थ्री ओवर टू तो ये मैं रूट लगा देता हूँ अब आप कोई सभी याद है बस ये एक पैटर्न याद रखना है सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक निकल के आएंगी अच्छा ज़ीरो किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है तो क्या आता है ज़ीरो आ जाता है तो साइन ज़ीरो हमारे पास क्या हो जाएगा ये आ जाएगा ज़ीरो ठीक है ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट वन सिंपल वन होता है फोर अंडर रूट फोर फोर का रूट क्या होता है हमारे पास टू होता है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या जाएगी? हाँ आ जाएगी हाफ आ जाएगी ठीक है अंडर रूट फोर बराबर होता है हमारा टू के सही है सेम ऐसे ही ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट टू अंडर वूट फोर सिंपल हमारा टू के बराबर है ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट थ्री अंडर रूट फोर हमारा किसके बराबर है टू के और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा टू ओवर टू मतलब के वन ठीक है अब एक नई चीज़ सीखते हैं हमें पता है कि यार साइन की वैल्यू क्या होती है जैसे साइन ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो होता है ठीक है साइन थर्टी हम लिखते हैं अगर डेसिमल में लिखना चाहूँ हाफ मतलब पॉइंट फाइव ठीक है अगर मैं लिखना चाहूँ साइन 45 फाइव तो ये होता है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मतलब कि ये जो वैल्यू हमारी क्या होगी जीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन ठीक है सेम ऐसी साइन सिक्सटी क्या होता है हमारे पास जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स मतलब कि ये वैल्यू हमारी ये होगी डेसीमल में और साइन नाइन्टी फिर क्या होता है हमारे पास वन होता है अगर आप चेक करें वैल्यू बढ़ लिया जीरो हुई पॉइंट फाइव हुई फिर पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन फिर एट सिक्स सिक्स फिर वन हो गई ठीक है ये आ गई यहाँ पे वन आ गई अब हम क्या कर रहे हैं यही वैल्यू आपको बस साइन की याद रखनी है यही सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें रह... मतलब पलट के लिख दें लाइक ये अभी मैंने यूँ लिखा था अब वन आप यहाँ पे लिख दें ठीक है कॉज ज़ीरो वन होता है और ये आप यहाँ पे लिख दें अंडर वोट थ्री ओवर टू फिर क्या था हमारे पास अंडर रुड टू ओवर टू फिर क्या था हमारे पास हाफ़ ये हाफ लिख दें फिर क्या था हमारे पास ज़ीरो अगर आप चेक करें यही वैल्यू सी बस मैंने यहाँ पे बुलेट के लिख दी लाइक कॉस ज़ीरो हमारा बराबर हो गया वन के फिर अंडर वोट थ्री ओवर टू आ रहा था ये हो गया अब एक चीज़ देखें साइन फोर्टी फाइव पे सही है और कॉस फोर्टी फाइव पे वैल्यू सेम आ रही है वो क्या आ रही है अंडर रूट टू ओवर टू ठीक है जो कि हमारा क्या होता है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि हर टिक्नोमेटिक की कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि एक ख़ास इंटरवल पे अपनी वैल्यू रिपीट करती हैं जैसे साइन फोर्टी फाइव कॉस्ट फोर्टी फाइव दोनों सेम होते हैं और जो कि बराबर होते हैं जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन के ठीक है कॉस्ट सिक्सटी मेरा हाफ है ये जीरो अगर आप चेक करें ये वन हो रहा है वैल्यू कम होते आ रही है वन हुई ये उल्टा चलता है लाइक like वन हुई फिर हो जाएगी जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन दोनों पे फिक्स रहेगी फिर हाफ मतलब पॉइंट फाइव फिर जीरो हो जाएगी मतलब एक आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें फिर दूसरी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें सही है अब बारी आती है टेन थीटा की टेन का बस आपको फॉर्मूला याद रखना टेन बराबर होता है साइन ओवर कॉस्ट के ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो डिवाइड बाय वन तो ज़ीरो हो जाएगा ये हमारे पास ठीक है अगला नंबर क्या आ रहा है साइन आ रहा है हाफ और कॉस्ट थीटा क्या आ रहा है नीचे अंडर रूट थ्री ओवर टू तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ वन ओवर टू इन टू ओवर अंडर रूट थ्री ये कैंसिल तो यहाँ पे टेन की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास वो आ गई वन ओवर अंडर रूट थ्री ठीक है सेम ऐसी ये वाली वैल्यूज़ भी निकल जाएंगी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी और जो हमारा साइन आया ना उसी को आप वन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा को आ जाएगा और कॉस को करेंगे तो क्या आ जाएगा सैक आ जाएगा सेम ऐसी टैन जो होगा वो कॉट होगा मतलब कॉट में क्या हो जाएगा कॉर्ट हो जाएगा कॉज ओवर साइन ठीक है क्योंकि टैन क्या था हमारे पास साइन ओवर कॉस मतलब जो भी वैल्यू आएगी आप उसको जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा पलट के लिख देंगे आप तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा चार्ट बन जाएगा ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी ठीक है तो आपको जो है वो सारी वैल्यूज फिंगर्स पे याद होनी चाहिए लाइक साइन थर्टी मेरा हाफ था मतलब पॉइंट फाइव मतलब रूट वाली वैल्यूज़ भी पता हों और डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी तो सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसका भी एमसीक्यू आता है पेपर में अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की कुछ बेसिक एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं कुछ एम की लाइक हमारे पास क्वेश्चन है रेडियन Major of angle at center of circle of radius eight centimeter, which cuts off an arc length. 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है 2.625 पॉइंट बी ऑप्शन है हमारे पास 1.625 पॉइंट सी ऑप्शन है 3.625 पॉइंट डी ऑप्शन है 2.25 सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एस इक्वल टू आर टीटा या एस रिप्लेस करने आप ऐसे एक ही बात है ठीक है तो सिंपल में बोल रहा है आपको मतलब इसके अंदर हमें क्या दे रहा है रेडियस गिवन है और लेंथ गिवन है तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगा दें लेंथ कितनी गिवन है हमें ट्वेंटी वन रेडियस एट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है अदर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ठीटा क्या आ रहा है यहाँ पे ठीटा आ रहा है टू पॉइंट सिक्स टू फाइव इसको डिवाइड करके तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए नेक्स्ट एम सी यूज है हमारे पास वो है इफ अगर मैं लाइक like कुछ इस तरीके से दे दूफ कॉट इक्वल टू फिफ्टीन अपॉउंड लाइक मैं कॉट थीटा की वैल्यू दे दूं और मैं आपसे कह दूं, देन मुझे बताओ फिर इन टू cos थीटा किसके बराबर होगा तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है एक है माइनस फिफ्टीन अपॉन्डेड एक है फिफ्टीन अपॉउंड और एक है हमारे पास एट अपॉन फिफ्टीन एक है माइनस एट अपॉन फिफ्टीन ठीक है तो भाई मैं इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ कुसैक मुझे पता है वन ओवर साइन लिख सकता हूँ मैं इसको कॉस टीटा है कॉस सीटा आप ऐसे ही cos over ओवर साइन हमारे पास क्या होता है कॉल ओवर साइन होता है हमारे पास वही cot के इक्वल है मतलब कि ये जो कंडीशन थी ये formula किस में टूट रहा है हमारे पास कॉट theta में ही टूट रहा है मतलब कि इसकी वैल्यू भी वही होगी जो कॉट की होगी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी एक्ट हमारे पास एमसी क्यूज है साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री प्लस साइन स्क्वायर सिक्सटी डिग्री प्लस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री लाइक ये किसके बराबर होते हैं सब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वन बी ऑप्शन है थ्री सी ऑप्शन है टू और डी ऑप्शन है हमारे पास फोर तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर आपको याद हो स्टार्ट में मैंने एक टेबल बनाया था पूरा इसके अंदर साइन थर्टी मैंने लिखा था पॉइंट फाइव मतलब के हाफ तो ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर फिर लगा दें प्लस साइन सिक्स हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट थ्री ओवर टू के इसका स्क्वायर प्लस टेन फोर्टी फाइव हमारे पास वन होता है तो इसका वन का स्क्वायर इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू टू मतलब के करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी एक्स एम सी क्यू थे हमारे पास लाइक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा वैसे तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के लेकिन सवाल के अंदर कंडीशन चेंज है मतलब ये किसके बराबर हो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं एक दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ठीक है एक दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अच्छा ये माइनस तो में तो देखिए प्रोडक्ट में आंसर आ रहे हैं और एक क्या दिया हुआ है अब ये माइनस में आ गया साइन स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है सेक्स स्क्वायर टीटा माइनस कोसैक्स स्क्वायर टीटा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम तो सबसे पहले तो मैं कॉट को ब्रेक कर लेता हूँ कॉल ओवर साइन में तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ सही है कॉल स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ ये हो जाएगा वन अपॉन

तो ये मुझे कहा नजर आ रहा है मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो बी होगा अब एक हम लास्ट एमसी कर लेते हैं वो है हमारे पास टू थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लाइक इसकी वैल्यू क्या होगी ऑप्शन हमें गिवेन है थीटा थीटा। एक ऑप्शन है हमारे पास टू साइन टीटा थीटा ये भी फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन टू थीटा का और सी ऑप्शन क्या है मेरे पास कुछ सेक थीटा माइनस सेक थीटा और डी ऑप्शन है हमारे पास सेक टेन ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम तो भाई टू टेन थीटा टेन थीटा को मैं ब्रेक कर लेता हूँ साइन ओवर कॉस में ये हो जाएगा साइन ओवर कॉस ठीक है वन प्लस टेन स्क्वायर थीठा मतलब कि बराबर होता है हमारे पास सेक्स स्क्वायर थीटा के ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टीटा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ठीक है तो वन प्लस स्क्वायर डीटा हमारे पास बराबर होता है सेक स्क्वायर फीटा के तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा ठीक है सेक स्क्वायर थीटा सेक किसका होता है कॉस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सीटा ठीक है एक कॉस से एक कैंसिल तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा तो देखें अभी ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक हो गया ये भी एक मजीद उसके बराबर होता है लाइक साइन टू टीटा हमारे पास बराबर होता है टू साइन डीटा कॉस्टिटा के तो एक कंडीशन ये भी होती है मतलब कि ये एमसीक्यू ज़रा और कर लें इस पर कि ये होगा तो इसमें आंसर हमारा क्या रहा है टू साइंडीटा कॉस्टिटा मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो भी होगा ठीक है और भी मज़ी क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो नीचे क्वेश्चन बैंक का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये टेक्नोमेट्री की बेसिकली शॉर्ट सी एक क्लास थी अब नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे अपनी तैयारी रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफ़